तो हमें बीमारी क्यों पकड़ेगी? तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको पता है कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर रहे हैं, तो आप बीमार पड़ेंगे तो इसे महादेव क्या कर सकते हैं? महादेव का त्रिनेत्र अगर आपका विकसित होता है तो आप पक्का जानते हैं कि ये नहीं करना है। मेरा छोटा भाई किसी भी तरह का नशा नहीं करता है, अब मैं तो लगभग हर तरह का नशा कर चुका हूँ, अब नहीं करता हूँ। अगर कोई आदमी उसे चाहे कि हम उसे पान खिला दें, असंभव है, क्योंकि मेरा भाई जानता है कि नहीं करना है तो नहीं करना है। हम सभी, हमारे दर्शक आज इस वीडियो को देखने वाले, अगर ये प्रण कर लेते हैं कि जो काम नहीं करना चाहिए, शरीर को नुकसान कर रहा है, वो हम नहीं करेंगे, तो समझिए आपने शिव के जैसे त्रिनेत्र को खोल लिया। याद रखिए, सारे समस्याओं का, चाहे वो रोग हो या धन हो या गरीबी हो या डर हो, लालच हो, सारे समस्याओं का हल त्रिनेत्र के पास है, और त्रिनेत्र जगाने की विधि भगवान शिव के पास है। अब एक दूसरा पार्ट आता है, दुर्घटना वाला, एक्सीडेंट वाला। लगभग सभी के जीवन में एक दो बार तो हो ही जाता है, मेरे जीवन में भी एक दो बार हो चुका है। लेकिन इस दुर्घटना को समझिए, कहीं ना कहीं बचपन से आज तक हम लोगों ने दुख बांटा है, और अगर हमने दुख दिया है तो हमें भी दुख मिलेगा। बस भगवान शिव को अगर मन में बसाइए, तो आज से और अभी से संकल्प कीजिए कि हम अपनी तरफ से दुख बांटना बंद करेंगे। किसी कमजोर को, किसी बच्चे को, किसी जीव को अगर हम दुख न दें, सचेतन रूप से, अगर वो निर्दोष है और फिर भी हम मुझे दुख दे रहे हैं, तो मेरा अपना जीवन का ये देखा हुआ चीज़ है कि धीरे धीरे आपके जीवन से पुराने कर्मों का क्षय होते होते एक दिन ऐसा जीवन में आता है कि आपके जीवन में से दुख, रोग, दुर्घटना विदा होने लगते हैं। उसके बाद देखिए, मैं शाकाहारी हूँ, इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सिवा दो तीन लोग और हैं मेरे ग्रुप में, मेरी बेटी भी है जो शाकाहारी है, और एक दो दोस्त हैं मेरे, ये लोग शाकाहारी है, बाकी सभी लोग मांसाहारी है। अगर मैं इन्हें कुछ कहूँ तो बुरा लग जाएगा। अगर हम लोग शाकाहारी हो जाते हैं तो समझिए कि अपने भोजन के लिए किसी जीव को दुख देना उचित नहीं है। बस ये बात हम लोग के मन में आती है कि हमारा पेट भर जाए, हमारे जीव को अच्छा लगे, इसलिए हम किसी जीव को वध करके को बना के खा लें। तो हम अगर किसी जीव को दुख देते हैं तो हम ईश्वर से कैसे आशा कर सकते हैं कि हे भगवान हमको दुख नहीं देना? ये फॉर्मूला को पकड़िए। अगर हम दुख दें और ईश्वर से आशा करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान हमें दुख मत देना, ये कैसे हो सकता है? पहले आप तो दुख देना बंद करिए। लेकिन जिनको भी मेरी बात बुरी लगी है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं शाकाहारी हूँ, और जब शाकाहारी हुआ था 1997 में, 1997 में मैं कहीं नौकरी करता था, तनख्वाह मिली थी मुझे, मेरे पास थे 1000-2000 रुपये कुछ थे, और मेरे दोस्त ने कहा कि आज चिकन बनना चाहिए दोपहर में, तो हम लोगों ने चिकन खरीदा। मैं वहाँ देख रहा था, पूरे प्रोसेस को मैंने देखा, चिकन को खरीदना, उसको वो कैसे वो भाग रहा था अपने पिंजरे में से, और हम लोग उसको पकड़ा, उसको दुकानदार ने उसे काटा, छीला, द होल प्रोसेस आई सॉ, और पूरे उसके बाद उसको पॉलिथीन में डाल दिया और बोला लीजिए भैया। तो घर में मैं उस प्रोसेस के समय समझ गया था कि मुझे ये वाला भोजन नहीं करना है। मैं घर आने पर मैंने दोस्त को बोला कि यार मेरे लिए दाल बना देना, हम नहीं खाएंगे। और उस समय से लेकर के 97 के बाद से आज तक फिर मैंने मांसाहार को लगभग छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं अपने स्वाद के लिए, भूख के लिए किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। आप मुझसे बहस कर सकते हैं कि फिर पेड़ पौधे भी तो जीव है, उसका एक अलग डायमेंशन है, थोड़ा नज़दीक है, प्रकृति के नज़दीक है मांस शाकाहार भोजन। तो मेरा मानना है कि अगर हम सब शाकाहारी हो जाए आज से या अभी से, अब मेरे दो चार दोस्त हो गए हैं, मेरे दो चार दोस्त धीरे धीरे उन्होंने मांसाहार को नापसंद करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि जो लोग दूसरे जीव को दुख देना बंद करते हैं, धीरे धीरे उनके जीवन में दुख आना कम हो जाएगा, और एक समय आएगा जब उनके शरीर में रोग और दुर्घटनाएं नहीं आएगी। और एक जरूरी बात और याद रखिए, रोग और दुर्घटना हमारे पापों का फल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम पाप न किए हों। और पाप का मतलब सीधी सी बात है, बेहोशी में की जिंदगी। अगर हम बेहोशी की जिंदगी जीते हैं तो हमसे पाप तो हो ही जाता है, और हम पाप करेंगे तो रोग बन के आएगा या एक्सीडेंट बन करके आएगा। तो चलिए, आप लोग समझ गए इस बात को कि शाकाहार को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ मांसाहार से, आगे आपकी मर्जी है। लेकिन उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ध्यान, योग और व्यायाम और नींद और आहार, अंतिम बात, अगर ये पांच चीज हम लोग, ये त्रिनेत्र कारण बोल रहा हूँ, भगवान शिव, एक तो मेरा जन्म महाशिवरात्रि का है, शायद मेरा जन्म से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं शिव भगवान का मेरे ऊपर ये प्रसाद रहा है, आशीर्वाद रहा है, कि मैं इनको, इन पांच चाबियों को स्वस्थ रहने का बहुत बड़ा राज समझता हूँ, जिसमें से पहला मैंने हमेशा कहा है नींद को। जो भी व्यक्ति रात्रि में जल्दी सो जाता है, अगर कोई काम ना हो तो 10-11 बजे के बीच में, जब भी, मैं मानता हूँ वो हुआ शिव का भक्त,
क्योंकि वो देख रहा कोई काम नहीं है, प्राकृतिक रूप से रात सोने के लिए बनी है, और हम फिर भी अगर मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हम शिव भक्त नहीं है भाई। शिव भक्त का अर्थ होता है त्रिनेत्र में स्थित, जो त्रिनेत्र में स्थित होने का प्रयास कर रहा है, जो साधक है, वो रात्रि को अगर जग गया तो उसके शरीर में बीमारी पैदा होगी। फिर वो नहीं कह सकता शिव से कि मुझे निरोग कर दो, शिव तो याद दिलाएंगे कि भाई आप रात को ज़्यादा जगते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं पहली बात कर रही हूँ, 5 बिंदु की जो मैं बात करने वाला हूँ, पहली बात मैं हमेशा कहूँगा नींद की। अगर आपका नींद 6 घंटा या 7 घंटे का है, रात की नींद, तो आपके जीवन में रोग बीमारी धीरे धीरे विदा होने लगेंगे, क्योंकि नींद से, विश्राम से शरीर को शक्ति मिलती है। और दूसरी बात, मैंने हमेशा जोर दिया आहार पर। मैं खुद लालची आदमी हूँ, लोभी आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में एक बात कहता हूँ, मेरी पत्नी 13-14 साल मेरे साथ रही, मैंने कभी नहीं कहा कि भूख लगी है खाना निकालिए, कभी नहीं कहा। इसका मतलब आहार को लेकर मैं कहीं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं था। 13-14 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने पत्नी को कभी नहीं कहा कि खाना निकालिए भूख लगी है। भूख लगी है शब्द का मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। मेरे दोनों बच्चे हैं, 18-19 साल का बेटा है, 14 साल की बेटी है, मैंने आज तक उनको नहीं कहा कि भूख लगी है, खाना निकालो या खाना बनाओ। कहीं ना कहीं आहार, हमें स्वस्थ होना है तो अपने आहार को चुनना होगा। उतनी समझदारी आप सबको है कि आहार कैसे होना चाहिए, जिसे मैंने पहले राय दिया कि शाकाहारी हो, और दूसरी जो राय है आप सभी जानते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से हल्का आहार, जीवन में पहलवानी और मारपीट करना ही कितना है, शायद कभी नहीं। तो हमारा आहार अगर शुद्ध है, ताजा है, गर्म है, आहार के विषय में आप सबको जानते हैं, तो आपकी जीवन की सभी बीमारियां धीरे धीरे विदा होने लगेगी। कल परसों ही मेरे एक दोस्त ने कहा था कि बहुत सारे 100 बीमारियों ने शरीर को घेर लिया है। तो सर, दो बातें मैंने आपको बताई, पहला कि नींद आपका, आज से ये वीडियो देखने के बाद, और जो कोई भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरे पिछले वीडियो को भी देखें, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने अनुभव आपको बांट सकूं। आपकी नींद 6-7 घंटे की आज से हो, एक तो मैं करता हूँ और मैं करता रहूँगा। मैं एक बार रात को सोता हूँ तो सीधे सुबह उठता हूँ, और ये मेरे स्वस्थ जीवन का राज है। और दूसरी बात, मैंने आहार की बात की, आहार कैसा होना चाहिए आप सबको पता है, सुपाच्य हो, शाकाहारी हो, और बाकी सब, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरी बात, व्यायाम, सांसारिक दृष्टि से व्यायाम करना चाहिए। मैं रोज सुबह 100 बार उठक बैठक लगाता हूँ, या सोफा पर पुशअप करता हूँ, सोफा मेरे पीछे ही लगा हुआ है, ऐसा ही सोफा उस रूम में है। अगर कोई व्यक्ति साल भर प्रतिदिन सुबह में 100 बार उठक बैठक करता हो, पुशअप करता हो, वो कहीं ना कहीं बीमारी से लड़ने की ताकत उसके शरीर को मिलेगी। लेकिन बेहतर होता, अच्छा होगा कि हम सब बाहर ग्राउंड में खुले में जा करके 15-20 मिनट व्यायाम कर सके, फास्ट एक्सरसाइज कर सके। तो मैंने पहले कहा नींद, दूसरा था आहार, और तीसरा है व्यायाम, चौथा नंबर है योग। योग कर सकता है आपको निरोग, कर ही देता है, अगर आप योग प्रतिदिन करते हैं। और आजकल तो योग समझाने के लिए रामदेव बाबा भी हैं, रामदेव बाबा कहते हैं कि योग रखे निरोग, तो मैं भी मानता हूँ कि अगर आप योग करते हैं तो आप निरोग रहेंगे। मैं सिर्फ 2 योग करता हूँ, और वही हम लोग के पिछले 5-7 सालों में सबसे बड़ा जो हम लोग को मिला है। एक मेरा पसंदीदा योग है मूल बंध, जो मैंने आपसे कहा था कि मूल बंध में मैं अपने सांसों को बाहर फेंक करके पेट को अंदर खींचता हूँ, जितनी देर तक संभव हो सारे श्वास को, हवा को बाहर निकाल दीजिए और पेट को अंदर खींचिए, जितना हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके, और 15-20 सेकंड के बाद जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार फिर धीरे धीरे वापस आइए। कम से कम 3 बार अगर मूल बंद किया जाए तो आपके पाचन शक्ति में ऐसा सुधार होगा कि मुझे तो, मैं, मेरा बेटा, मेरे बेटी को पाचन के लिए कभी कोई दवाई नहीं लेना पड़ता है। तो ये मेरा तीसरा राय है आपको, सभी को, जो कपालभाति करते हैं कपालभाति करें, जो भस्त्रिका कर, मैं भस्त्रिका करता हूँ प्रतिदिन, भस्त्रिका मेरा 15 मिनट का है। भस्त्रिका मतलब सांस को फेंकने की क्रिया। अगर आप भस्त्रिका करते हैं, आपके शरीर में, आपके दिमाग में, आपके सांसों में, आपके फेफड़े में, और शायद पूरे शरीर में, जहाँ जहाँ कमजोरी है वो कमजोरी हील होता है, आपकी शक्ति बढ़ती है। और योग क्या है आप सभी जानते हैं, और आगे भी जा सकते हैं। मैं 2 करता हूँ, भस्त्रिका और ये मूल बंध। कपालभाति आप सभी जानते हैं कैसे किया जाता है, वो देख लीजिएगा। मेरा ये चौथी राय है मेरी कि योग हर व्यक्ति को करना चाहिए। योग उसका खोज तो किसी और कारण से हुआ था, पतंजलि मुनि ने जब योग पर किताब लिखी थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने विभिन्न जगहों से इस ज्ञान को एकत्रित किया है। तो योग अगर आप करते हैं धीरे धीरे आपके रोग दूर हो जाएंगे। और पांचवा और अंतिम बात जो भगवान शिव की देन है धरती को, वो है त्रिनेत्र को जगाना। त्रिनेत्र को जगाने का प्रयास प्रतिदिन किया जाए, अगर अगर आप 1 घंटे तक
किसी शुद्ध आसन पर बैठ करके आंख बंद करके अपने इस मध्य बिंदु को देखते हैं लगभग 1 घंटे तक या उससे ज़्यादा जितना हो सके। धीरे धीरे आपका त्रिनेत्र काम करने लगेगा और आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जरा बताइए जिंदगी में कितनी बार हुआ होगा आपने कुछ कहा और वही हुआ, वो त्रिनेत्र का कमाल है। आपने कुछ चाहा और शाम तक वो हो गया, आपने कुछ कहा वही कुछ सुनाई पड़ा, किसी को याद किया कोई आ गया, जीवन में चाहा कभी और मिला आज, ये त्रिनेत्र का कमाल है। तो ये अंतिम बात है, महाशिवरात्रि परसों से है और अभी से मेरे हर मित्र वचन दे कि सुबह हो या शाम अगर 1 घंटा ध्यान किया जाए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और अंतिम बात एक बार फिर से कह दूं, जो 5 बिंदु मैंने कहा था, नींद था, आहार, व्यायाम, योग और ध्यान, इनमें से एक को भी कम मत करिए। और ये पांचों महादेव की देन है। इसके साथ जुड़ा हुआ है एक्सीडेंट, दुर्घटना। परसों 14 फरवरी को मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी चूर चूर हो गई है, लेकिन उनको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, वो ठीक है। वो मैंने उनको भी यही राय दिया था पहले भी, बस महादेव को बसाइए अपने मन में। रोग और दुर्घटना बहुत दुख देते हैं मित्रों, अगर हम महादेव के साथ एक हो गए तो आप पाएंगे धीरे धीरे आपके जीवन से रोग विदा होने लगा, और धीरे थोड़ा सा अपडाउन तो होता ही है, शरीर शरीर है, और दुर्घटना आपके जीवन से बिल्कुल विदा हो जाएगा। आप दुख देना बंद कर दीजिए, आपको दुख मिलना बंद हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल मेरा विषय है भगवान शिव पार्वती का वैवाहिक जीवन हमारे लिए कितना आदर्श है, और परसों महाशिवरात्रि है उसके बाद में सोचेंगे, कल का एपिसोड कल। आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद, मुझे इतना समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम।